हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस पार्ट वन, इसका चैप्टर नंबर सेकंड। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने एनवायरमेंटल साइंस की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है। ये सीरीज SOL DU रेगुलर NCVAP के सेमेस्टर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के लिए बनाई जा रही है। पार्ट वन की सीरीज बनाई जा रही है, पार्ट सेकंड की सीरीज भी जल्दी आएगी, उसके लिए वेट करो। अगर आपके पास पार्ट वन की सीरीज है, AEC में आपका सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस, तो आपके लिए सीरीज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। हमने इसका प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके आप देख सकते हो। और आज हम करवाने जा रहे हैं इसका चैप्टर नंबर सेकेंड स्टार्ट। और चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर किसी को नोट्स वगैरह परचेज करने हैं, आपको एनवायरमेंटल साइंस का पार्ट वन और पार्ट टू दोनों के नोट्स रेडी बन चुके हैं, आपको मिल भी जाएंगे। अगर आपको बाय करने हैं तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो, ये स्क्रीन पे नंबर आपको दिया है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करो और बोलो सर हमें नोट्स परचेज करने हैं, मिनिमम अमाउंट पे करके 100 से 150 रुपये आप इसकी PDF को बाय कर सकते हो, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप PDF है। आपको सारे चैप्टर शॉर्ट में मिल जाएंगे, इजिली लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जिनको बाय करने हैं फटाफट से मैसेज कर सकते। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेसन नंबर टू, इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर पिरामिड एंड सक्सेशन, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा खास नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले आपको मैं ये चार्ट समझा दूँ, आप इस चार्ट को जरा ध्यान से देख लो। आज हम चैप्टर नंबर टू के अंदर बेसिकली ये चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर टू के अंदर हमारा इकोसिस्टम में दो तरह के डिवाइड किया गया है इकोसिस्टम को। पहला आता है बायोटिक इकोसिस्टम, फिर आएगा एबायोटिक इकोसिस्टम। बायोटिक इकोसिस्टम को आगे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। एबायोटिक इकोसिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड करा जाएगा, क्लाइमेट और यहाँ पे लिखा है एपिडेमिक, ठीक है। क्लाइमेट फैक्टर्स को तीन कैटेगरी में और एपिडेमिक को वन कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। क्लाइमेट की तीन कैटेगरी है लाइट, टेम्परेचर एंड वाटर, और एपिडेमिक की यहाँ पे जो दे रखी है वो है एक कैटेगरी सॉयल, ठीक है। तो आज हम बेसिकली यही सारे पॉइंट्स को रीड करने वाले हैं। तो हम बायोटिक में पढ़ेंगे बेसिकली तीन, फिर पढ़ेंगे एबायोटिक में टोटल 6 कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं पहले बायोटिक। बायोटिक के अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर हम पढ़ने वाले हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले आपको दिख जाएगा, बायोटिक कंपोनेंट आर डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरी। इनको हमने तीन कैटेगरी में बांटा है, यहाँ पर लिखा है, जो अपना फूड वेब रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। पहला आता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स वो लोग होते हैं जो अपने लिए खुद खाना प्रोड्यूस करते हैं, अपने लिए खुद खाना बनाते हैं और खाते हैं। इनको ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन माइक्रोऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। ये अपना खाना खुद से कंपोज करते हैं, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड, अपना वाटर प्रेजेंस और सनलाइट के मदद से। इनके क्लोरोफिल्स जो होते हैं खाने में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है एग्जाम्पल के रूप में आप ग्रीन प्लांट, एल्गी और यहाँ पे लिखा है साइनोबैक्टीरिया, तो ये तीनों चीजें इसके अंदर आती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है भाई? कंज्यूमर आर द हेटरोट्रोप्स। कंज्यूमर हेटरोट्रोप्स है, जो अपना खाना खुद सेल्फ पर नरिश नहीं कर सकते और किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होते हैं। उनका खाना जो है वो कोई दूसरा व्यक्ति खोज कर देता है। आगे लिखा है, दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स एंड द नेचर गेट नॉट एनर्जी। देखो, इनके पास ना कोई एनर्जी नहीं होती, बस इनके पास पैसे होते हैं, तो ये अपना खाना प्रोड्यूसर से खुजवाते हैं। तो कंज्यूमर्स के पास यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स मैंने बांटे हैं, टाइप्स बुक में आपको जो दिए। पहला आता है प्राइमरी कंज्यूमर। ये कंज्यूमर हर्बीवोरस खाना खाना पसंद करते हैं। ये वो आदमी या वो जानवर होते हैं जो सिर्फ हर्बीवोरस चीज़ें खाते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है बकरी, गोट, रैबिट और ग्रास ऊपर, मतलब टिड्डे, रैबिट मतलब खरगोश। तो ऐसे जानवर जो कि सिर्फ साग, सब्जी, फूल, वनस्पति वगैरह खाते हैं, ऐसे इंसान या जानवर वो प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो इकोसिस्टम के अंदर कोई भी हर्बीवोरस, कह रहा है कि दे कैन नॉट
डायरेक्टली ईट द प्रोड्यूसर्स ऑफ इकोसिस्टम, जो सीधा डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के द्वारा दिए गए खाना नहीं खाते, जैसे कि फ्रॉग है, जैकल्स है एंड स्नेक्स है। ठीक है, तो ये जो लोग होते हैं जैसे कि जैकल्स, फ्रॉग और स्नेक्स वगैरह जो खाना खाते हैं वो सारे सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आते हैं। टर्टरी कंज्यूमर मीन्स थर्ड कंज्यूमर जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मीट ईटर्स होते हैं। मीट मतलब होता है मांसाहारी चीज़ों को खाते हैं। इनमें चाहे वो आप इंसान में आ जाओ चाहे आप जानवरों में आ जाओ, ये क्या है एक टॉप लेवल कार्निवोरस एनिमल होते हैं, जैसे वल्चर्स, काइट, टाइगर एंड लायंस, मतलब कि शेर, चीता, गिद्ध और चील वगैरह। ठीक है, फिर आता है डिकम्पोजर्स, इसका थर्ड पार्ट। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो एक हेटरोट्रोपिक नेचर में रहना पसंद करते हैं और ये कार्बन डाइ ये क्लोरोफिल भी कंटेन नहीं करते हैं और ये डिपेंड होते हैं अपनी फूड और एनर्जी के ऊपर, खाने वगैरह के ऊपर। दे ऑर्गेनाइजम्स कैन ग्रो द डेड एंड डिके मटेरियल ऑफ द एनवायरनमेंट, दिस इज वाई नोन एज डिकम्पोजर्स। कह रहा है कि ये खाना वगैरह खाने के बाद जो है वो वेस्टेज जो होता है, जो डिकम्पोज होता है, जो कचरा होता है वो भी फैला देते हैं, तो इसलिए हम इसको डिकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है ये अपना जीवन जीने के लिए मट्टी वगैरह में रहते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट में ये रहना पसंद करते हैं। दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द बायोकेमिकल साइकल्स, ये एक बायोकेमिकल साइकिल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी निभाते हैं। फंगी, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म, आपने ये सब देखे होंगे ना, केचुए वगैरह, ये सब मट्टी में रहते हैं और मट्टी को एक उपज बनाने में हेल्प करते हैं और उसी मट्टी पर खाना वगैरह जल्दी और आसानी से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, देखो इनके तीनों के यहाँ पर एक डायग्राम देके आपको समझाया, ये कंपोजर्स हैं, ये डिकम्पोजर्स हैं और ये होते हैं प्रोड्यूसर, खाना बनाने वाले। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं नीचे डिफरेंस बिटवीन, तीनों फैक्टर्स में डिफरेंस दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन बायोटिक, बायोटिक का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी, तीनों में डिफरेंस है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम किसका होता है, तो ये होता है ग्रासलैंड वाला, ग्रास होपर्स, ये लिजार्ड, स्नेक वगैरह, ये होता है टाइगर, ईगल, मांसाहारी वाला। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में यहाँ पर बग वगैरह आते हैं, यहाँ पर बर्ड्स आ जाते हैं, यहाँ पर लायन एंड टाइगर आते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है, डेजर्ट मतलब जो रेगिस्तान में रहते हैं, तो वो होते हैं इंसेक्ट्स। ठीक है, आगे दिया हुआ है यहाँ पे पोंड एंड लेक, पोंड एंड लेक में रहने वाले कोई है इसमें, या फिर मैरीन, मैरीन मतलब होता है जो स्मॉल पानी में रहने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं वो। तो यहाँ पर छोटे जीव किसको कहा गया है, पहले तो कंज्यूमर्स में कहा गया है यहाँ पर स्मॉल फिशेज वगैरह को, यहाँ बिगर फिशेज, और यहाँ पर आती है जायंट फिशेज। ठीक है, लास्ट में आती है जायंट फिशेज, यहाँ पे स्नेक्स, स्कॉर्पियंस वगैरह आते हैं। ठीक है, तो आप ये डिफरेंस देख सकते हो। अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो भाई नोट्स परचेज कर सकते हो, नोट्स बन चुके हैं इंग्लिश मीडियम में पार्ट वन, पार्ट टू इन्वायरमेंटल साइंस दोनों के, उसमें आपको शॉर्ट में सारा कुछ मिल जाएगा। एबायोटिक कंपोनेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स, दीज आर द नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फाउंड इन नेचर। नेचर में एक वैसे कंपोनेंट माने जाते हैं जो ना तो सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस, तीनों में से किसी भी चीज के फॉर्म में नहीं उपलब्ध होते। ठीक है, तो उसके बाद आगे लिखा है यहाँ पर, पहली चीज तो इसकी दो पॉइंट्स लिखे हैं आपको, पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पे क्लाइमेट फैक्टर, दूसरा लिखा है एडेफिक फैक्टर। ठीक है, फैक्टर, क्लाइमेट फैक्टर में लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन एटसेट्रा। एडेफिक फैक्टर्स में लिखा है यहाँ पर सोयल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट सोयल, और उसके बाद लिखा है सबस्ट्रेटम। तो यहाँ पर नीचे आगे पॉइंट में लिखा है क्लाइमेट फैक्टर्स मीन्स लाइट वगैरह, जो मैं आपको बताऊंगा लाइट्स वगैरह किस तरह से इफेक्ट करती है। तो यहाँ पर लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर प्लांट, जो लाइट्स वगैरह है वो प्लांट्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्लोरोफिल प्रोडक्शन में हेल्प करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट मीन्स प्लांट को बढ़ाती है। लाइट्स थस डिसाइड द साइकोलॉजी ऑफ द प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूशन रीजंस। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि प्लांट्स के अंदर टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज करने में वाटर लेवल कितना आएगा, ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी। ठीक है, और उसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर उन एरियाज के अंदर। स्टोमेटल पूमेंट्स होता है कि जो प्लांट्स होती हैं उनकी लीव होती हैं, उन लीव के अंदर एवोपोरेट होता है, वाटर जाता है प्लांट की बॉडी में और प्लांट अपनी बॉडी से एक साइकोलॉजिकल स्टेटस बिल्ड करती है। फिर आता है
ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट मतलब कि समर और विंटर में कितने कितने टाइम तक एक फ्लावर को या एक प्लांट को वो आपको लाइट वगैरह दे रहे हैं, तो वो चीज़ है। उसके अकॉर्डिंग फिर हमें पता चलता है कि प्लांट्स जो है वो कितने दिन के अंदर अपने फूल वगैरह देने वाले हैं। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर एनिमल, लाइट एनिमल के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होती है। तो मेटाबॉलिज्म, आपने ये वर्ड सुना होगा, लाइट कंट्रोल द फिजिकली मेटाबॉलिज्म एनिमल बाय अफेक्टिंग देयर एनिमेटिक इफेक्टिविटी। कह रहा है कि इंसान से ज़्यादा जो है मेटाबॉलिज्म वो जानवरों में पाया जाता है जो कि उनकी एक एनिमेटिक एक्टिविटीज़ को रोकते हैं। एनिमेटिक्स एक्टिविटी होता है जो शरीर के अंदर के कीटाणु होते हैं जो शरीर को तंदुरुस्त रहने से रोकते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ को रोकते हैं, ठीक है। फिर आता है विजन्स, पिगमेंटेशंस। विजन मतलब होता है जो एक बड़ी डिफिकल्ट एक्टिविटी है जिसके अंदर लिखा है यहाँ पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सी एनीथिंग, हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते। तो जब एनिमल का विजन लाइट हो जाता है तो उस टाइम पे काम आती है। पिगमेंटेशंस होता है जब आपका स्किन आपका डिपेंड करता है लाइट के अकॉर्डिंग, आपकी स्किन्स जो है खराब होने लग जाती है। रिप्रोडक्शन मतलब होता है डिफरेंट एनिमल्स रिस्पॉन्ड द डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सप्लोर द ब्रीडिंग एक्टिविटीज, ठीक है, मतलब कि लाइट के अकॉर्डिंग जो है अपनी एक्टिविटीज करते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपनी ब्रीडिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद आगे रिदम। फिर लिखा है टेम्परेचर, टेम्परेचर किस तरह का रोल अदा करता है, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाता है प्लांट्स और एनिमल के केसेस में। तो जब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो पहला आता है मेटाबोलिज्म, प्लांट्स में भी मेटाबोलिज्म है। टेम्परेचर एक इंक्रीज कर देता है, एक साइकोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ा देता है, साथ ही साथ प्लांट्स की ग्रोथ करने में हेल्प करता है और डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को फॉरेस्ट और एक्वेटिक इकोसिस्टम में रखने में हेल्प करता है। सेकंड आता है ग्रोथ और डेवलपमेंट, अलग अलग प्लांट की ग्रोथ जो है अलग अलग टेम्परेचर में बढ़ती है, जैसे कुछ सर्दियों में बढ़ते हैं तो कुछ ठंडियों में बढ़ते हैं, तो ये एक अपने आप में ग्रोथ बढ़ाता है। थर्मल सेटिस्फैक्ट्री, यानी यहाँ पर जो है एक एक्वेटिक इकोसिस्टम पैदा करता है जहाँ पर प्लांट्स को लगता है कि उनके आसपास उनके मौजूद लाइट और मौजूद वाटर की मदद से वो बढ़ रहे हैं। अब ये एनिमल्स में कैसे हेल्प करती है हमारी टेम्परेचर, तो एनिमल्स में लिखा है वार्म ब्लडेड एंडोथर्मिक एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एक्टोथर्मिक एनिमल, यहाँ पर उनके टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। कुछ एनिमल्स का टेम्परेचर ठंड में रहने के लिए होता है, जैसे कि जो ठंड में रह लेते हैं बिना कपड़े वगैरह के, कुछ होते हैं वार्म ब्लडेड मतलब कि जिनका खून गर्म होता है, ठीक है, तो उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही उनको डिसाइड करने में हेल्प करता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो उसमें आते हैं मैमल्स, बर्ड्स एटसेट्रा। भूकंप आ रहा है क्या? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कोल्ड ब्लडेड, भाई नियर सॉरी, उसके बाद लिखा है यहाँ पर कोल्ड ब्लडेड, जिसके अंदर आते हैं जैसे एनिमल्स में फ्रॉग वगैरह, ठीक है, जिनके ब्लडेड जो है सेल्स जो है वो कोल्ड रहते हैं। फिर आता है माइग्रेशन, माइग्रेशंस एनिमल लिखा है द थर्मल नोन एज माइग्रेशन, ये एक टेम्परेचर फैक्टर है जिसमें लोकोमोटरी एनिमल्स और बर्ड्स चेंजेस देयर टेम्परेरी पीरियड्स ऑफ कम बैक एंड देयर ओरिजिनल इकोसिस्टम वेदर द वेदर चेंजेस। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए वो एनिमल्स अपना जगह चेंज कर लेते हैं, अपना लोकेशन चेंज कर लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं। जब वो दोबारा से, जैसे कि सर्दियों में कुछ बर्ड्स जो है वो अपनी जगह छोड़कर चले जाते हैं दूसरे घर पर, अगर सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो वो वापस उसी जगह पर आ जाते हैं और अपना डेरा फिर से जमा लेते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स आगे लिखा है। उसके बाद वाटर, वाटर कैसा फैक्टर है, लाइफ इज़ नेवर पॉसिबल विदाउट वाटर, आप लोग जैसे जानते हो कि लाइफ जो है बहुत ही इम्पॉसिबल है इस वाटर के बिना, और वाटर के बिना इकोसिस्टम में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाती है, जैसे कि वाटर की कमी के कारण एक इंसान, एक जानवर और एक प्लांट तीनों के अंदर ही कमी आ जाती है। किस टाइप्स की कमी है, तो यहाँ पर जो बताया है कि इनमें कमी आती है, तो भाई कमी के कारण हो सकते हैं जैसे यहाँ पर आपको दिखाया लेचेंस, मोसेस, ठीक है, मॉइस्चर, एपिटहाइट्स, ऑर्चर्ड्स, तो यहाँ पर हायर प्लांट ग्रोथ, एब्जॉर्वेशन, तो ऐसे बहुत सारे कमियाँ आती है। फिर नीचे लिखा है एडिफिक फैक्टर, एडिफिक फैक्टर्स होते हैं सॉयल, मिट्टी से रिलेटेड, मिट्टी से रिलेटेड, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो या फिर प्लांट्स हो, प्लांट्स के लिए मोस्टली होता है क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो वेजिटेरियन जैसे होते हैं, तो प्लांट्स वगैरह जो हैं वो कहाँ पर उगते हैं, वो उगते हैं हमारी ज़मीन में, और ज़मीन या फिर मिट्टी अगर अच्छी नहीं होती तो उसके कारण जो प्लांट्स की ग्रोथ है उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा है कि प्लांट्स जब ग्रो करते हैं या एनिमल जब ग्रो करते हैं तो उनके टाइप्स वगैरह, पीएच स्केल वगैरह डिसाइड करते हैं फैक्टर वगैरह।
पीएच स्केल अगर लेस देन 7 है तो वो एसिडिक सोयल कहलाती है, अगर पीएच स्केल मोर देन 7 है तो वो अल्कालाइन सोयल कहलाती है। जहां पर एसिडिक और अल्कालाइन होने के कारण नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टे ओवर देयर, तो वहां पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं और कुछ नहीं रह पाते हैं इन्हीं के वजह से। यहाँ पे लिखा है एक पीएच स्केल जो न्यूट्रल सॉयल होती है ना, न्यूट्रल सॉयल मतलब होता है कि जब सॉयल का तापमान, सॉयल का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक हो, तो ऐसी टेम्परेचर वाली सॉयल का तापमान 6.5 या 7.5 के अंडर अगर है तो वो कंडीशन क्या है, मोस्ट लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक होती है। अगर ज़्यादा पीएच स्केल खराब है तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते। नीचे यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है आपको सॉयल्स का, पहले नीचे सबसे लिखा हुआ है बेड रॉक, बेड रॉक मीन्स आर, सबसे नीचे जो बड़े पत्थर होते हैं। फिर आता है उसके बाद सस्ट्रेनिज्म, तो यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर आते हैं। फिर आता है सब सॉयल, सब सॉयल के अंदर रूट्स वगैरह चली जाती हैं प्लांट्स की। फिर आता है सरफेस और फिर आता है ऑर्गेनिक। सरफेस और ऑर्गेनिक जो है ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल वाली सॉयल होती है जो प्लांट्स के लिए होती है, ठीक है। तो आगे उसके बाद लिखा है इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसके अंदर इकोलॉजिकल पैरामीटर्स यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ट्रॉफिक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन। फूड चेन कह रहा है ये फूड चेन पे डिपेंड करते हैं। इसके तीन टाइप हैं, पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, फिर आता है पिरामिड ऑफ बायोमास, फिर आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। हम पहले पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है। पिरामिड ऑफ नंबर जो है एक तरह का पिरामिड है जहाँ पर अपने ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंगली आपकी वॉल्यूम, आपके ट्रॉपिकल ट्रॉफिक लेवल वगैरह सेट होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इज हायर इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर प्रेजेंट इन द अदर ट्रॉफिक लेवल। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर मीन्स जो प्रोड्यूस करते हैं अपने यहाँ पर लेवल्स को, जो अपने चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं ऐसे, वो ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ कंज्यूमर से, उस चीज़ों को कंज्यूम करने वालों से। नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द ईच ट्रॉपिक लेवल डिक्रीज व्हेन वी गो द बॉटम टू द टॉप ऑफ द पिरामिड। जब हम पिरामिड के बॉटम के हिस्से में जाते हैं तो उस जगह पर ट्रॉपिक लेवल डिक्रीज होने लगता है, और यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल डिक्रीज करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसके बाद नीचे लिखा है कोलेक्टिविटी, कोलेक्टिवली द लेवल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द ईच ट्रॉफिक लेवल नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप्स। नॉर्मली द पिरामिड्स ऑफ नंबर अपराइट ग्रासलैंड इकोसिस्टम एक्वेटिक सिस्टम। देखो इन्होंने ना ये जो ट्रॉफिक लेवल बताए हैं, इसका मतलब होता है कि जब आप ट्रॉफिक लेवल के प्रोड्यूसर लेवल पे होते हो तो वहां पर एक घास वाला एरिया होता है। अगर आप इस चित्र में देखो तो प्रोड्यूसर लेवल जो है वो एक घास वाला ग्रीन एरिया है। फिर जो दूसरा हमारा आता है स्टेज, वहाँ पर हार्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो घास को खाते हैं। फिर आता है फर्स्ट लेवल कार्निवोरस मीन्स सेकेंडरी कंज्यूमर। अब जिन्होंने घास को खाया वो उन जानवरों को खाएंगे, मीन्स वो बड़े जानवर होंगे और वो घास खाने वाले जानवरों को खाएंगे। अब जिन्होंने उन घास खाने वाले जानवरों को खाया, उनको खाने के लिए और भी एक टेरिटरी लेवल आता है, तीसरा लेवल, जो कि अपर लेवल होता है जहाँ पर बड़े पक्षी आते हैं जो उन जानवरों को खाते हैं, जैसे उल्लू वगैरह। तो उल्लू वगैरह सांप वगैरह को खाएंगे, सांप वगैरह जो है वो चूहे, छोटे छोटे टिड्डे, कीड़े मकोड़े, खरगोश वगैरह को खाएंगे, और वो खाते हैं लास्ट में घास, ठीक है। बाकी आपको बता रखा है यहाँ पे अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स का बता रखा है। सबसे पहले घास होती है, फिर मछली, फिर वेल, फिर और भी ज़्यादा डार्क, ठीक है। तो सेकेंडरी, पहला हार्बीवोरस, फिर कार्निवोरस, फिर सेकेंडरी कार्निवोरस, फिर टॉप के कार्निवोरस लेवल, ठीक है। आगे उसके बाद यहाँ पे लिखा है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास को अगर मैं नीचे डिफाइन करूँ इसकी यहाँ पे शेप देख के, तो आप देख सकते हो ये इन्वर्टेड है। पहला जो पिरामिड था उससे उल्टा बना हुआ है। सबसे पहले जो आते हैं वो कार्निवोरस आएंगे, फिर हार्बीवोरस आएंगे, फिर प्रोड्यूसर्स आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक पेड़ उगाया, पेड़ एक प्रोड्यूसर है, पेड़ ने हार्बीवोरस फल वगैरह दिए। अब वो फल चिड़िया वगैरह खाएंगी, और चिड़िया वगैरह जो है वो किसके मुंह में जाएंगी, वो चील वगैरह के मुंह में चली जाती हैं। और यहाँ पर एक दूसरा, यहाँ पे साइड में एक ग्राफ बना है जो इन्वर्टेड है। एक है स्पाइंडल शेप्ड और एक है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड में देखोगे तो पहले प्रोड्यूसर आएंगे, फिर हार्बीवोरस आता है, फिर उसके बाद आता है यहाँ पर पैरासाइट्स, और उसके बाद आता है फिर हाइप्रो पैरासाइट्स, ठीक है, जो उनसे भी छोटे जानवर होते हैं वो।
नीचे यहाँ पर एक डायग्राम बना है जो अपराइटेड एंड इन्वर्टेड पिरामिड बायोमास है। मीन्स यहाँ पर सबसे पहले जो है वो नीचे आती है हमारी ग्रीन ग्रीन घास, फिर आता है हार्बिवोरस, फिर आता है कार्निवोरस, फिर आता है टॉप कार्निवोरस, मीन्स जो सबसे ज्यादा टॉप कार्निवोरस है। अब यहाँ पर एक चीज आप समझो, आपको ये जो चार्ट बना के दिया है इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर 1000 किलोग्राम का प्रोटीन था। अब इसमें से 1000 में से सिर्फ 100 किलोग्राम कंटेन किया इन्होंने जानवरों ने। 100 में से जब इन जानवरों को खाया छोटे जानवरों ने, तो उनमें जो आया 10 किलोग्राम का प्रोटीन आया। 10 किलोग्राम के प्रोटीन वाले जानवर को जब शेर ने खाया तो शेर के पास सिर्फ 1 किलोग्राम का प्रोटीन आया। टॉप कार्निवोरस जो है वो सिर्फ 1 किलोग्राम प्रोटीन लिया है, और सबसे ज्यादा प्रोटीन घास फूस में होता है जो कि ये लोग खाते हैं। तो इस तरह से एक चैन बनी हुई है, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी पिरामिड बना रखा है। एनर्जी मतलब कि कौन कितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। आप यहाँ देखोगे यहाँ पे प्रोड्यूसर है, मतलब कि छोटे छोटे केचुए जिनके अंदर प्रोटीन होता है इतना। अब इसको खाया इन्होंने, फिर इसको खाया वेल ने, तो वेल के अंदर सबसे कम प्रोटीन 12 gm प्रोटीन आया, ठीक है। तो ये है इन्वर्टेड पिरामिड्स, ठीक है। पैरामिड ऑफ एनर्जी में यही आपको समझा रखा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन कितनी कंज्यूम करता है। हर कोई अपनी एनर्जी का 10वां हिस्सा कंज्यूम करता है, सिर्फ 10th पोर्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको एक दिखा रखा है पैरामिड ऑफ एनर्जी का, टर्टियरी में 10 कैल्शियम, उसके बाद सेकेंडरी में 100, इसका 10वां हिस्सा क्या होगा 100, 100 का 10th पोर्शन है, 100 जो है वो 10th पोर्शन है 1000 का, 1000 10th पोर्शन है इसका 10,000 का प्रोड्यूसर का। तो प्रोड्यूसर ने अगर 1000 कैलोरीज बनाई तो प्राइमरी को मिलेगी 1000, और 1000 अगर प्राइमरी कैलोरीज खा रहा है तो 100 मिलेगी सेकेंडरी को, और सेकेंडरी को अगर 100 मिली है तो 10 मिलेगी टर्टियरी को, समझ आ गया। तो ये पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है। फिर बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कितनी ज्यादा एनर्जी ले रहा है, ठीक है। आगे अगला पॉइंट है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन की यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये पढ़ते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है ये रेंगर हंट ने 1885 में डिस्कवर किया था। ये जो है एक नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पर हम लोकेलिटी तथा एक डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटी के प्लांट्स को समझते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यहाँ पर स्पीसीज पाई जाती हैं अलग अलग तरह के प्लांट्स की। ये जो है एक स्ट्रक्चर्ड होता है, एक बायोलॉजिकल एक्शंस एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स होता है कि कौन किस तरह से डेवलप हो रहा है, कौन किस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। पहले आप यहाँ पर डायग्राम में देखो, डायग्राम नंबर का जो नीचे वाला पोर्शन है आप इसमें देखोगे तो सबसे पहले एक मट्टी का ढेर है, फिर उसमें छोटे छोटे बीज हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, धीरे धीरे ऐसे करते हुए जब वो लास्ट स्टेज पर, जब वो 6th स्टेज पर जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, एक फॉरेस्ट बन जाते हैं, बहुत बड़े फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये इन्होंने समझाया है कॉज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन में कोई भी चीज छोटी होने के बाद बड़ी क्यों होती है, उसके कारण क्या है। तो पहला कारण है इनिशियल, फिर आता है कंटिन्यूस, फिर आता है स्टेबलाइजिंग। इनिशियल कारण में क्लाइमेट फैक्टर होता है कि कोई भी क्लाइमेट हो सकता है, वातावरण उस चीज के अनुकूल हो, और वातावरण के अनुकूल होने के कारण हो सकता है उसको एक हैवी रेनफॉल मिला हो, फायर, या फिर लैंड अच्छी मिल गई हो जिसके कारण वो अपना साइज को बड़ा कर पाता है, या फिर कोई बायोटिक फैक्टर हो सकता है जैसे कि डिफोरेस्टेशन या फिर झूम कल्टिवेशन। उसके बाद आता है कंटिन्यूस फैक्टर, ये वो फैक्टर होता है जिसके कारण कोई भी एक डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, कोई भी चीज अपना साइज आकार बड़ा करती है। तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है पॉपुलेशन पर, किसी चीज की पॉपुलेशन हो सकती है उसके अकॉर्डिंग। स्टेबलाइजिंग कॉज क्या होता है, स्टेबलाइजिंग कॉज ऑफ एन इकोसिस्टम हैपेंस ड्यू द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द एरिया, अवेलेबिलिटी इन द मिनरल्स, फर्टिलिटी एंड द लैंड, एग्रीकल्चर वेल ग्रोथ, द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंटिन्यूस फ्लो फूड एनर्जी एंड एटसेट्रा। टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन किस किस टाइप के होते हैं। पहला आता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर आता है यहाँ पे ऑटोजेनिक। प्राइमरी में आते हैं रॉक एरियाज, मतलब कि जो पथरीले एरियाज होते हैं वो सारे। सेकेंडरी में आते हैं फ्लड, फूड, वायर, एसिड रेन वगैरह, ठीक है, जो एक ऐसे लिविंग मैटर में होते हैं। फिर आता है ऑटोजेनिक। ऑटोजेनिक के अंदर यहाँ पर चीजों को लिखा गया है कि विच इज नॉट सुटेबल फॉर देम बट क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स एंड एनवायरमेंट टू ग्रो द डिफरेंट कम्युनिटी। इट इज द सक्सेशन डिराइव बाय द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम।
ऑटो मीन्स सेल्फ और सेम, जेनेटिक मीन्स प्रोड्यूसिंग। ऑटोजेनिक मतलब होता है जो खुद से चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे सक्सेशन, ऐसे इकोलॉजिकल सक्सेशन हमारे कहलाते हैं ऑटोजेनिक। फिर आता है एलोजेनिक सक्सेशन और इंड्यूस्ड सक्सेशन। एलोजेनिक के अंदर आता है जहां पर एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, कोई भी वोल्केनिक एरप्शंस हो सकता है, कॉमेट या स्ट्राइक हो सकता है, अर्थक्वेक या फ्लड या ड्रॉट, सूखा वगैरह पड़ सकता है। तो इस जगह पर जो फैक्टर्स होते हैं वो एल्कोजेनिक होते हैं। इंड्यूस्ड सक्सेशन क्या होता है? इट इज मैन मेड प्रोसेस। ये एक मानव निर्मित प्रक्रिया है जहां पर बहुत सारे तरह के बेनिफिट ह्यूमन काइंड्स होते हैं, कल्टीवेशन, क्रॉप्स और फील्ड को लेकर, ठीक है। उसके बाद आता है ऑटोट्रोपिक, फिर आता है हेटरोट्रोपिक, फिर आता है रेट्रोग्रेसिव। ऑटोट्रोपिक मतलब होता है कि जहां पर आप एरियाज वगैरह जो है खुद से डेवलप कर पाते हो ऑर्गेनिक। उसके बाद लिखा है हेटरोट्रोपिक, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी एरियाज वगैरह है जैसे लाइक फॉरेस्ट है, लिटर है, सीवेज है, तो वो फंगी, मशरूम वगैरह ये जो अपने आप पैदा होते हैं, हरी हरी घास वगैरह में जो अपने आप पानी वानी मिलने के कारण पैदा उठ जाते हैं, जैसे कि मशरूम वगैरह, तो वो सारी चीजें इसमें आती है। रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन होता है जहां पर हैवी बायोलॉजिकल कंडीशन होनी चाहिए, जहां पर बहुत ही बड़ा सक्सेशन होना चाहिए, फॉरेस्ट, कम्युनिटी चेंजेस। उसके बाद लिखा स्क्रब लैंड एंड ग्रास लैंड और बैरियन लैंड ड्यू टू डिफोरेस्टाइजेशन एंड ओवरग्रेजिंग। तो इसके बाद आपका चैप्टर नंबर सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई विश आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारा समझ आया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एस वेल के रिगार्डिंग सारे चैप्टर्स में एग्जाम से पहले प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको अगर नोट्स परचेज करने हैं तो नीचे दिए हुए स्क्रीन पे नंबर जो शो हो रहा है आप इस पर ही मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे कि हमें नोट्स बाय करने हैं। मिनिमम अमाउंट पे करके आप नोट्स को बाय भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।